गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज मेरे सामने खड़ी हुई है अपनी 2024 की लेटेस्ट अपनी महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक S11। और ये जो वेरिएंट हमारे सामने खड़ा हुआ है वो आप झगड़ो करो कैप्टन सीट वाला वेरिएंट है। तो भाई यहाँ पे देखो, दो लोग आगे, दो लोग बीच में और दो लोग पीछे, इस तरीके से ये जो बन जाता है आपका 6 सीटर वेरिएंट बन जाता है। तो आज की इस वीडियो में जो हम इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं, सारी चीज़ों के बारे में जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इसकी एक शोरूम ऑनर कॉस्ट सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी मैं हूँ आपका आत्माराम महिंद्रा पे, स्पेशल थैंक्स टू देम जिन्होंने मेरे को एक गाड़ी प्रोवाइड करी और आप तक जो है मैं इन्फॉर्मेशन वीडियो पहुँचा पा रहा हूँ। अगर आपको महिंद्रा का कोई भी प्रोडक्ट चेकआउट करना है तो आप आके यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं और अवेल कर सकते हैं एक्साइटिंग ऑफर्स को एंड डील्स को। तो स्टार्ट करते हैं इसके आगे के लुक से। तो भाई सबसे पहले तो ये चीज़ चेकआउट करो जो सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग लगती है, वो है ये आईब्रो टाइप की जो इसकी स्कॉर्पियो की जो सिग्नेचर लाइट है ना, ये अपनी LED DRL बहुत प्यारी लगती है भाई, देखने में बहुत प्यारी। ऐसे लॉक करेंगे तो ये देखो इंडिकेटर चल रहा है, ये अनलॉक करने पर इस तरीके से, और ये बटन दबाया तो अपनी हेडलाइट भी ऑन हो जाती है, लो बीम ऑन हो जाती है। लो बीम में प्रोजेक्टर, हाई बीम में अपना इधर की तरफ आपको जो है हेलोजन देखने को मिलेगा, कॉर्नरिंग लैंप आपको देखने को मिल रहा है, नीचे की तरफ अपनी इस तरीके से DRL देखने को मिलेगी, फॉग लाइट आपको देखने को मिल जा रही है, नंबर प्लेट की प्लेसमेंट आपकी आगे की तरफ हो जाएगी, इस तरीके से आपको आगे की तरफ कुछ ग्रिल पर ट्रीटमेंट देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको ट्विन पिक का लोगो, अब आपको यहाँ पे इंटरकूलर नहीं मिलता, ये जो चीज़ है फेक हो चुकी है। उसके बाद अगर बात करी जाए इसकी साइड प्रोफाइल की, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके की धांसू आपको यहाँ पे साइड प्रोफाइल देखने को मिलती है, ठीक है। टायर सेक्शन की बात करूँ तो यहाँ पे मिलता है आपको 235/65/R17 का टायर, और ये जो अलॉय का डिज़ाइन है ना, इतना प्यारा लगता है देखने में भाई, चेक करना। यहाँ पे ट्विन पिक का लोगो, आगे आपको डिस्क मिलेगी, पीछे आपको ड्रम मिलेंगे, फुटस्टेप वगैरह आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इस तरीके से सिल्वर फिनिश, और इंडिकेटर आपका जो है फेंडर पे रहने वाला है। उसके बाद आपको स्कॉर्पियो यहाँ पे लिखा हुआ देखने को मिल जाता है, यहाँ पे ORVM आपके हाथ से बंद और खुलने वाले देखने को मिलेंगे, एडजस्टमेंट का ऑप्शन आपको शायद अंदर की तरफ देखने को मिल जाता है। एक बार मैं गाड़ी को अनलॉक करता हूँ तो ये देखो भाई, यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, वो अंदर बैठेंगे तो बात कर लेंगे। यहाँ पे आपको डोर ट्रिम पे अपनी टेपिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पे भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ये जो है एक्सेसरी का पार्ट है, कस्टमर ने लगवाया। उसके बाद आपको ऊपर की तरफ रूफ रेल देखने को मिलती है, आप इसे पकड़ के लटक जाइए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एरियल एंटन आपको देखने को मिल जाता है। अगर बात करी जाए पीछे की तरफ, तो यहाँ पे आपको ड्रम ब्रेक्स देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको जो है ये जो गाड़ी है ना अपनी रियल ऐसी हुई है, क्योंकि ये है अपनी रियर व्हील ड्राइव, ठीक है। उसके बाद अगर बात करी जाए तो ब्रिजस्टोन के टायर, यहाँ पे मड फ्लैप वगैरह देखने को मिलेगा, एक आपको फ्यूल लिड यहाँ देखने को मिलेगी, एक फ्यूल लिड आपको उस तरफ देखने को मिलेगी, ये है अपनी DEF की, उस साइड आपको मिलती है अपनी डीजल की। पीछे की तरफ आएंगे तो पूरा रेड कलर का सारा ट्रीटमेंट, ये देखो भाई, ये चेकआउट कर रहे हो, 2D से बनते हैं ना, कितने प्यारे लगते हैं यार ये रात को। स्कॉर्पियो लिखा हुआ है, यहाँ पे हेलोजन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर बात करी जाए तो इंडिकेटर हेलोजन है आपका, रिवर्स लाइट हेलोजन है। स्कॉर्पियो क्लासिक S11 आपको यहाँ पे लिखा हुआ देखने को मिलता है। ट्विन पीक का लोगो, रियर वाइपर, डिफॉगर, उसके साथ साथ हाई माउंटेड स्टॉपिंग लैंप, अपना ऊपर की तरफ 2 वॉशर फ्लूइड के आउटलेट देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर, रिफ्लेक्टर, चढ़ने के उतरने के लिए आपको थोड़ा सा वो देखने को मिल जाता है स्पेस। उसके बाद टोइंग हुक का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये जो बुल गार्ड लगा हुआ है पीछे की तरफ, ये जो है आपका एक्सेसरी का पार्ट है, कस्टमर ने अपनी पसंद से लगवाया। उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे तो ये है आपका डीजल का टैंक, यहाँ पे इस तरीके से सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, साइड फुटस्टेप वगैरह वगैरह सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। ये होगी कहानी। अब चेक कर रहा हूँ पीछे का स्पेस, ये है पीछे का स्पेस, 2 स्पीकर आपको देखने को मिलेंगे, पीछे आपको जो है अपनी बेंच टाइप सीट देखने को मिल जा रही है। आप चाहे तो इसको यहाँ से इस तरीके से टॉपल कर सकते हैं, इसको खींचा और इसको धक्का मारा और ये आपकी जो है टॉपल हो जाती है इस तरीके से, ठीक है। ये कहानी हो गई। आप चाहे तो इसको दोबारा से इस तरीके से खड़ा भी कर सकते हैं, ये ऐसा आप इसको खड़ा भी कर सकते हैं। तो ये कहानी हो गई पीछे की, इसको करा बंद। अपना जो स्पेयर व्हील है वो आपको नीचे की तरफ देखने को मिलता है, इधर इसके नीचे, और वो भी आपको फुल साइज टायर देखने को मिलेगा, कॉस्ट कटिंग आपको वहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। अब आता है गाड़ी के अंदर, ये खोला मैंने गेट, स्कफ प्लेट लगी हुई है, स्कॉर्पियो चलता हुआ देख रहा होगा, कस्टमर की पसंद उन्होंने अपना लगवाया है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्पेस, यहाँ पे ग्रैब हैंडल, 1 पेंच अप एंड डाउन आपकी ड्राइवर साइड की विंडो, मैनुअल, यहाँ पे आपके मैट फिनिश में जो है डोर नॉब देखने को मिलेंगे, ग्लॉस ब्लैक की फिनिश, स्पीकर आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिलेगा सीट में, यहाँ पे रिक्लाइन का ऑप्शन है, आगे पीछे करने का ऑप्शन, ब्रेक, एक्सेलरेटर और क्लच का पेडल, डेडिकेटेड डेड पेडल भी आपको अब यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब बैठ रहा हूँ गाड़ी के अंदर, ये है भाई कहानी कुछ गाड़ी की। और ये सबसे प्रीमियम चीज़ जो लगती है ना, वो है इसका ये नीला नीला सा आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, देखो भाई कितना प्यारा लग रहा है ना देखने में। स्टार्ट कर लेता हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा है भाई,
ये अपना एकदम श्री गणेश हो चुका है। यहाँ पे आपको हाइड्रोलिक स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलेगा, इन्फोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल, क्रूज के कंट्रोल के सिस्टम, क्रूज कंट्रोल के ऑप्शन, यहाँ पे आपको पियानो फिनिश, लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील ऊपर नीचे आपको देखने को मिल जाता है इसके अंदर। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी अपनी वार्निंग्स वगैरह, न्यूट्रल की लाइट है अपना, यहाँ पे फ्यूल की लाइट है, उसके बाद टेम्परेचर मीटर ऊपर की तरफ, ट्रिप ए ट्रिप बी, इसको ब्राउज करने के लिए दो ऑप्शन यहाँ देखने को मिलते हैं। यहाँ पे ज्यादा चीजें देखने को नहीं मिलती आपको क्लासिक के अंदर, यहाँ पे आरपीएम मीटर, यहाँ पे स्पीडोमीटर, उसके बाद यहाँ पे आपके वाइपर के कंट्रोल्स हैं, यहाँ पे अपनी हेडलाइट के कंट्रोल्स हैं फॉग लाइट के साथ, ठीक है। इस तरीके से सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं। उधर की तरफ आएंगे तो एंड्रॉइड आपको एक छोटा सा इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलेगा, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपको यहाँ नहीं मिलेगा, एसी ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल वाला, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट आपको देखने को मिल रहा है, 6 स्पीड का यहाँ पे मैनुअल ट्रांसमिशन विद रिवर्स गियर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, रिवर्स गियर में आपको सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं, सिल्वर की फिनिश, एसी विंड्स के अराउंड देखने को मिलेगी, उसके बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पे भी आपको ट्रीटमेंट मिलती है सिल्वर की, स्कॉर्पियो लगा हुआ है सिल्वर में, यहाँ पे इस तरीके से आपको थोड़ा सा स्पेस देखने को मिलेगा, SRS एयरबैग, दो एयरबैग आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं, एक कैबिन लाइट यहाँ पे, एक कैबिन लाइट आपकी पीछे की तरफ, यहाँ पे आपको सनग्लास होल्डर देखने को मिलेगा मैनुअल, यहाँ पे डे एंड नाइट वाला, आपका IRVM, यहाँ पे टिकट होल्डर नहीं मिल रहा है, यहाँ पे भी आपको सिर्फ मिरर मिलेगा, लाइट नहीं मिलेगी। उसके बाद अगर बात करी जाए तो यहाँ पे आपको दो एयरबैग और हॉर्न, सुनो भाई जो तरक्की हुई है ना स्कॉर्पियो में वो सबसे बड़ी चीज ये है, इतना प्यारा हॉर्न है ना, पौं पौं एकदम बढ़िया लग्जरी सा फील आ गया भाई गाड़ी के अंदर। तो ये सारी कहानी हो गई, इसका इंजन के बारे में बात करना भूल गया हूँ, चलो उतर के बताऊंगा। यहाँ पे आपको जो है अपना बढ़िया यहाँ पे इस तरीके से हैंडरेस्ट देखने को मिलेगा सेपरेट, उसके बाद यहाँ पे आपके हैंड ब्रेक, ये थोड़ा सा स्पेस, दो कप होल्डर, यहाँ पे आपको मैनुअल गियर बॉक्स देखने को मिल जाता है, ठीक है, ये कहानी होगी। अब चलते पिछली सीट पे, क्योंकि पिछली सीट पे जो है कहानी बहुत तगड़ी है, क्योंकि मिलती है आपको इसके अंदर कैप्टन सीट्स, कैप्टन सीट्स देखने को मिलती है। तो सीट को पहले मैं एडजस्ट कर देता हूँ क्योंकि बहुत पीछे कर दी थी मैंने। ये लो भाई, ये है कहानी, यहाँ पे कैप्टन सीट्स आपको देखने को मिलती है। तो ये मैं आ गया हूँ अपनी सीट पे इस तरीके से, और यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है क्या इसको पीछे करने के लिए? जी हाँ बिल्कुल, आप इसको जो है अपना एडजस्ट कर सकते हैं इस तरीके से, यहाँ पे आपको स्लाइडिंग का ऑप्शन देखने को मिल जा रहा है, बहुत तगड़ी चीज़ है। उसके बाद बात करूँ तो यहाँ पे आप इसको रिक्लाइन भी कर सकते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है आपको लिवर, आप इसको दबा के रिक्लाइन कर सकते, इसको इतना लिटा सकते हैं भाई, ये देखो इसको आप इतना लिटा सकते हो, यहाँ पे आपको हैंडरेस्ट वगैरह देखने को मिलेगा, और आपकी जो 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 जर्नी है ना वो इतनी कम्फर्टेबल हो जाएगी इसके बाद, तो भाई मज़ा आ जाएगा आपको। अगर आपको लॉन्ग जर्नी करनी है स्कॉर्पियो से तो आपको कैप्टन सीट वाले वेरिएंट पे जाना चाहिए। नीचे की तरफ अपना ये जो है ना जैक का वो है ऑप्शन, यहाँ पे पीछे की तरफ आपको दो और वो देखने को मिल जाएंगी बेंच टाइप की अपनी सीट, तो आप कंफर्टेबल, बहुत कंफर्टेबल जर्नी हो जाएगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6 सीटर है, 7 जने आराम से बैठ सकते हैं, 7 सीटर भी खेलो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पीछे आपकी बेंच टाइप की सीट है। इस तरीके से कहानी हो जाती है, सेंटर में दो अपने एसी वेंट्स देखने को मिलते हैं, यहाँ से आप इसको क्लोज कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस, नीचे की तरफ आपका 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट आता था हमारे जमाने में 2015 में, अब यहाँ पे हटा दिया गया है। ऊपर की तरफ अपनी एक और कैबिन लाइट आपको देखने को मिलेगी। पैनल पे बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस मिलेगा जिससे कि आप स्कॉर्पियो की चाबी रख लो, यहाँ पे बॉटल होल्डर है, यहाँ पे अपने खोलना बंद करने के लिए, यहाँ पे पावर विंडो के कंट्रोल्स आपको देखने को मिल जाते हैं, और इस तरीके से कुछ इसकी कहानी हो जाती है। अब बात करते हैं इसकी इंजन की, इंजन की बात करना मैं भूल गया था, तो भाई यहाँ से खोला हुड इसका, ये रहा, कहाँ गया भाई, ये रहा। सेफ्टी फीचर अपना स्कॉर्पियो का, जो कि जैसे ही आप हुड खोलोगे आपके इंडिकेटर्स लुप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे, ब्लिंक करना स्टार्ट कर देते हैं, और जो किसी भी महिंद्रा की गाड़ी में नहीं मिलता वो आपको सिर्फ महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक के अंदर मिलता है, जो कि है आपका ये अपने हाइड्रोलिक स्टड्स। तो भाई सबसे पहले तो यहाँ पे चेक कर लो अपना महिंद्रा का जाना पहचाना, ये रहा, ये देखो ये स्टिकर लगाता हूँ, ये रहा अपना डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन वाला इंजन, जो कि है आपका एम हॉक इंजन, ठीक है। अगर मैं इसकी पावर स्पेक्स की बात करूँ तो यहाँ पे मिलती है आपको 130 BHP आपको यहाँ पे देखने को मिल जा रही है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अपना 300 Nm का टॉर्क, 300 Nm का टॉर्क आपको देखने को मिल जा रहा है, बढ़िया एकदम, बहुत तगड़ी पावर आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की, प्राइसिंग क्या रहने वाली है। सबसे पहले हुड को करते हैं बंद, ये हो गया भाई बंद अपना, थोड़ी सी देर में अपने इंडिकेटर्स भी बंद हो जाएंगे। तो हाँ भाई, अगर मैं इसकी एक शोरूम कॉस्ट की बात करूं तो ये एक शोरूम कॉस्ट करती है आपकी 17,34,000 रुपए की, 17,34,000 रुपीज इसकी एक शोरूम कॉस्ट है। वहीं अगर मैं इसकी ऑन रोड कॉस्ट की बात करूं तो अभी मैं हूं आपका आत्माराम महिंद्रा पे, स्पेशल थैंक्स टू देम जिन्होंने मेरे को ये गाड़ी प्रोवाइड करी और आप तक जो मैं इन्फॉर्मेशन वीडियो पहुंचा पा रहा हूं। अगर आपको महिंद्रा का कोई भी प्रोडक्ट चेकआउट करना है तो आप आके यहां पे चेकआउट कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं एक्साइटिंग ऑफर्स को, एंडीज को। तो अगर मैं बात करूं इसकी ऑन रोड कॉस्ट की, तो ये यहां पे ऑन रोड कॉस्ट करती है आपकी 20,84,000 रुपए की, 20,84,000 रुपीज इसकी ऑन रोड कॉस्ट है यहां आगरा में यूपी में। तो कैसी लगी गाड़ी, कैसी लगी वीडियो, और कैसा लगा आपको ये 6 सीटर वेरिएंट हमारा स्कॉर्पियो क्लासिक का?
कैसा लगा आपको ये अपना 6-सीटर वेरियंट अपनी महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक का, मेरे को कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई कार, बाइक या गाड़ी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।